नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम मौजूद हैं यहाँ बिलसंडी तारा पंचायत का। यह एक जगह है जहाँ पे देख सकते हैं खेतों में जो है हम लोग टपटपिया मतलब धूप है और धूप में पसीने पसीने हो चुके हैं, क्योंकि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं हम किसी किसान के साथ होंगे। अभी यहाँ पे हमारे साथ किसान है जिनके खेतों में फसल जो लहलहाया है उसी CP 898 कंपनी के जो है सारे के सारे मेंबर वगैरह आए हैं और सदस्य वगैरह आए हैं और बताने के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरह ये मक्का जो है कारगर होता है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे, एक बार नचा दीजिएगा कैमरा और फोकस करिएगा कि कितना दूर तक ये फैला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है अपना बाउंड्री वॉल लगाई हुई है और यहाँ पे प्रचार करने आई है कि किस तरह से कारगर हो सकता है अगर किसान उनके साथ अगर चलती है तो। हैं यहाँ पे किसान हैं और माला भी पहने हुए हैं, लगता है इनका स्वागत वगैरह किया गया है। स्वागत किस चीज़ हुआ है? स्वागत मकई अच्छा दाना हुआ, अच्छा बाल निकल उगया है, इसी के लिए। कौन सी कंपनी करी है आप? CP 898। दोस्तों ये वही कंपनी जिसके बारे में बोला गया था कि ये कंपनी जो है कंपनी है दुकानदार को दे देता है, कोई भी रिटेलर को दे देता है, लेकिन बताना चाहूंगा उनको ये जो है दिया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं किसान जो है खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम देख सकते हैं 21-22 इंची का जो है ये होता है और इसमें देख सकते हैं। और इसका वजन कितना हुआ था? 3 भुट्टा का वजन हुआ था, 1 किलो 600 ग्राम। 1 किलो 600 ग्राम, यानी अन्य जो कंपनी है उसकी अपेक्षा, उसके अंदर आपके सामने देखा भी गया था दूसरे कंपनी की अपेक्षा इसका 0.5 किलो वजन बढ़ गया था जी। किसान हैं आप और एकदम धूप में खड़े हैं, क्या फीलिंग हो रहा है अभी जब फसल लगाते हैं जिसे मैं रोपते हैं? बहुत मेहनत करना पड़ता है, अभी उपज लेना है आपको, मतलब उपज उसका फल निकलने वाला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? फल अच्छा निकल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पे ये कौन सा जगह है? बिलसंडी तारा है। बिलसंडी तारा में ये है। कितने कट्ठा में लगाए थे ये? 15 कट्ठा। 15 कट्ठा में लगाए हुए थे। 15 कट्ठा में CP 898 की उपज कितनी होगी? नियर अबाउट 30 क्विंटल के आसपास। 30 क्विंटल अगर हम उसको रुपयों से आंकड़े मतलब लगाए आकलन करें, मान के अनुमान से चलिए कि अगर 2000 रुपए क्विंटल अगर अभी है तो 30 क्विंटल से मतलब 60,000 रुपए का इनका मक्का होगा, 60,000 का हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ किसान को? अब इनका जो लागत है, अगर ये अभी इसमें 2 फसल किए हैं, 1 आलू और 1 मकई, दोनों अगर किए हैं तो आलू कई क्विंटल कट्ठा उपजाए हैं? आलू 4 क्विंटल। 4 क्विंटल कट्ठा आलू उपजा चुके हैं और उसी खाद और उसी पानी में ये मक्का भी उपजा लेंगे, मतलब एक तीर से दो निशान, गुठली के दाम उनको होना, मतलब एक तीर से दो निशाना है। यानी मक्का अभी जितना होगा ना फायदा ही, टोटल 60 का 60 फायदा ही है। आपका परिचय? मेरा परिचय राजीव कुमार सिंह हुआ, मैं CP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करता हूँ, मैं यहाँ एरिया सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे नियुक्त हूँ। विगत 15 वर्षों से मैं CP में सेवा दे रहा हूँ। पिछले बार कुछ यहाँ से न्यूज आया था कि कुछ मक्का में दाना नहीं आया है, वायरल वीडियो के थ्रू, तो हम लोग आए चेक किए तो कुछ किसानों का मिला, तो वो टाइम फैक्टर था। इस मक्का को लगाने का जो सही समय है वो 5 नवम्बर से लेकर 25 दिसंबर तक का है, लेकिन दुकानदारों द्वारा या किसान द्वारा नहीं पूछे जाने के चलते, किसानों को वहां पे जानकारी नहीं होने के चलते, उन्होंने इसकी रुपाई 16 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर के बीच में कर दी, जिसके चलते क्लाइमेट के चेंजिंग के असर के चलते उसमें थोड़ा बहुत दाने का प्रॉब्लम आया, मतलब वो दाने का जो प्रॉब्लम आया उसमें पराग नहीं बन पाया, पराग नहीं बन पाया था वो मौसम के हिसाब से, लेकिन बीज में कोई दिक्कत? बीज में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पूसा यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिपोर्ट भी हम लोगों ने दे दिया, पूसा से 4 साइंटिस्ट भी आके चेक किए, कहीं बीज में कोई दोष नहीं है। जो भी था दोष वो क्लाइमेट का दोष था, वही बीज है। यहाँ भी आप देख रहे हैं पूरा फसल आ रहा है, यहाँ पे करीबन 50 किसान अभी आए हुए थे जिनके प्लॉट में लगा हुआ, कहीं किसी को कहना चाहेंगे कि आप जागरूक होइए और आप लोगों का जो भी बीज पिछले साल लगाए थे और सीड सेटिंग का प्रॉब्लम आया है, तो लोग अपना नाम पता नोट करवा दिए हैं, कंपनी उनको सीड फ्री में इस साल देगी जो जितना केजी खरीदा है, मतलब जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई आप बीज, भरपाई हम बीज सिर्फ देंगे, बीज से हम उनकी सेवा करेंगे, विशेष कुछ नहीं दे पाएंगे। देखिए CP 898 के ये जो है बीज दूसरा कंपनी नहीं देगी, इनका दावा है कि बीज जो है हमारा वह उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सीजनल मौसम का प्रॉब्लम था, मौसम के हिसाब से रोपा नहीं गया जिसके कारण जो है दिक्कत आई थी, पराग नहीं बन पाया था, लेकिन यहाँ पे फसल जो लहलहा रहा है खेत में करकरी धूप में लहरा रहा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। किसान जाना चाहे तो बीज के साथ जा सकते हैं और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ किसान था जिसका मैंने लाइव
आपको दिखाया, लाइव डिस्कशन करके दिखाया इन मतलब कितना प्रॉफिट वगैरह होने वाला है क्या है। बाकी बातों के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।